जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में कुछ बच्चों ने 100 में से 100 नंबर लाए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती उन्होंने की और क्या चीज उन्हें करना चाहिए जिससे कि उनका नवोदय में दोबारा सिलेक्शन हो जाए, तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। तो देखिए, अभी हमने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि 90 से 95 वाले बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो उसी में दो तीन बच्चों ने कमेंट किया कि सर मेरे 100 में से 100 नंबर आए फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ बच्चे कहे मेरे 97.5 आए, 25 आए, 98 आए फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी को फिर से एक बार चेक करना है, जो आप पेपर देकर आए उस पेपर को आप क्या कहते हैं फिर से मिलाइए, उसका आंसर की मिलाइए, देखिए कि क्या आपका 100 out of 100 आ रहा है, यानी 100 में से 100 नंबर आ रहा है, पूरा सही हो रहा है। दो तीन बार उसको आप चेक करिए, उसके बाद जब आप ये कर ले तो आप अपने रिजल्ट को एक बार दोबारा फिर से चेक करें। जब आपने रिजल्ट चेक कर लिया, अगर आपका रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो आपको एक काम करना होगा, पहले आप पता लगाइए कि आपके जिले में यानी आपके आसपास नवोदय विद्यालय कहाँ पर है। अगर आपके आसपास जो भी नवोदय विद्यालय, आपको नवोदय विद्यालय में जाना है और वहां किसी टीचर से आप मिलिए, टीचर से मिलने के बाद आप उनसे बताइए कि सर मैंने 100 में से 100 क्वेश्चन किया और मेरा सही भी था, मैंने कई बार इसको मिलाया फिर भी मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो मैं क्या करूं, इसका क्या सलूशन है आप बताइए। तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सलाह देंगे, वो आपको बताएंगे कि किस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आपका नंबर नहीं आया। आपने कहीं ना कहीं जरूर गलती की होगी, नहीं तो अगर आपका 100 में से 100 नंबर आया, 98 आया, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता, या फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम हो सकता है आ जाए, और 100% सेकंड मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें आपका नाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये दो काम कर सकते हो, या तो आप वेट करिए सेकंड मेरिट लिस्ट का, या फिर आप जाइए स्कूल में और वहां के टीचर से आप पूछिए कि सर ये काम कैसे हो सकता है, कैसे मेरी ये लिस्ट आ सकती है, मेरा नाम कैसे आ सकता है इसमें। लेकिन नवोदय विद्यालय ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि नवोदय विद्यालय की दोबारा कॉपी नहीं चेक हो सकती है, और दूसरा चीज उसने बताया है कि नवोदय के मार्क्स नहीं बताए जा सकते हैं, किसी भी बच्चे के मार्क्स नहीं बताए जा सकते कि उसके कितने नंबर आए हैं। तो ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा, आपकी कॉपी दोबारा नहीं चेक होगी, ना तो आपका नंबर बताया जाएगा। आपने जो आंसर की देखा उसी से मिलाया, उसी से मैच किया, जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जाएंगे, वहां किसी से मिलेंगे, वहां के टीचर से, तो आपको पूरी सही से इंफॉर्मेशन बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्यों आपका नाम नहीं आया। या तो आप वेट करिए सेकंड मेरिट लिस्ट का, उसमें आ जाएगा तो ठीक है। अगर आपको जानना है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी तो उसका वीडियो एंड स्क्रीन में आ रहा है, आप देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट कब आ रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।